सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जुबानी जंग का टोटका घैनी मसाला वोदका, सियासत का नया कलेश सुब्रत वर्सेस अखिलेश। अखिलेश बने चाचा की ढाल, विपक्षियों पर किया जमकर पलटवार। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों से सपा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी बीच सत्ताधारी दल के नेताओं और मुख्य विपक्षी दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक को पान खाना छोड़ कन्नौज के विकास पर ध्यान देने की नसीहत दी है, तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ने भी अखिलेश यादव को वोडका पीना छोड़ने की नसीहत दे डाली है। दरअसल कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें खैनी खाना छोड़ देना चाहिए। सपा मुखिया ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बिना नाम लिए कहा कि जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए, विकास के लिए क्या बात करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि इटावा में उनकी बहुत रिश्तेदारी है, इटावा के लोग जानते होंगे कि यहाँ सपा ने कितना विकास कराया है। एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला, कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वहाँ आसपास क्यों नहीं? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। तो वही अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी ट्वीट कर पलटवार कर कहा कि अखिलेश जी, पान का प्रयोग हम हिंदुओं की पूजा में होता है और इसमें सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची और कन्नौज के पवित्र फूलों के इत्र पड़ते हैं। अखिलेश के लिए अच्छा होगा कि अखिलेश यादव वोदका पीना छोड़ दे ताकि उनकी बुद्धि ठीक रहे। अखिलेश के जीवन में बहुत से किस्से कन्नौज में आज भी लोगों को मालूम है। खैर, पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार तो चलता ही रहता है, पर सोचने वाली बात यह है कि विकास और रोजगार पर ध्यान देने के बजाय नेताओं का एक दूसरे पर निजी हमला करना किस हद तक सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प